हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास सिक्स का हम हिंदी चैप्टर कर रहे थे थ्री, नादान दोस्त चैप्टर का नाम है और आपकी क्लास सिक्स से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्होंने दो बच्चों की नादानियों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से उल्लेख किया है, किस तरह से वो चिड़िया के बच्चे अंडे को पाना चाहते हैं, कितने उत्सुक हैं। तो पहला नंबर जो प्रश्न था उसका हमने आंसर पहले वीडियो में कर लिया था, अभी हम दूसरे वीडियो में प्रश्न नंबर दो करेंगे। प्रश्न नंबर दो देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दो में दिया हुआ है, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। यानी जो केशव और श्यामा थे, स्टोरी में दो बच्चे हैं जिनका नाम केशव और श्यामा है, तो वो दोनों जो बच्चे थे वो आपस में ही अंडे के बारे में बात करके खुद को तसल्ली दे दिया करते थे। क्यों दे दिया करते थे, क्वेश्चन ये है। तो चलिए क्यों दे दिया करते थे इसका आंसर हम जानते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न का देखिए आंसर क्या होगा कि केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ से क्योंकि से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। क्या है, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। कोई नहीं था का मतलब ये नहीं कि सच में कोई नहीं था, कहने का मतलब है कि सब इतने बिजी थे कि उनके सवालों का जवाब वो नहीं दे पाते थे, पूछने पर भी अपने काम में लगे रहते थे। उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था, न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अपने काम में सब इतने व्यस्त थे कि वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, तो ये खुद ही में बात करके तसल्ली कर लेते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा जो भी। चलिए एक बार और रीड करते हैं। केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था, न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। सो इसी के साथ प्रश्न नंबर दो भी हमारा ख़त्म होता है, इसका उत्तर हमने जान लिया। आई होप सो आपके लिए वीडियो यूज़फुल है। यूज़फुल होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, जो भी क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करके बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास झटपट पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।